हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसको हम आसानी से घर पे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमने अपने इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। हमने लिया है शिमला मिर्च, इसको हमने इस तरह से काट लिया है। पनीर, पनीर हमारा होममेड है, इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। प्याज, इसको भी हमने इस तरह से काट लिया है। एक चम्मच गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, जीरा पाउडर एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हरी मिर्च इसको हमने इस तरह से काट लिया है, टमाटर इसको हमने रफली चॉप कर लिया है, हल्दी पाउडर, अदरक और लहसुन इसको हमने कूट लिया है, एक प्याज, ये हमने कुछ मसाले लिए हैं साबुत, इसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जावित्री, छड़ीला और फूल। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे, तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, नमक, अदरक और लहसुन, आधे कटे हुए नींबू इसमें निचोड़ देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें पनीर डाल देंगे जो हमने मैरिनेट किया था। इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कढ़ाई पनीर का, तो आप भी पनीर को भून के ही डालें। फ्रेंड्स, इसको मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। फ्रेंड्स, पनीर हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से करके इसका तेल निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, हमारी पनीर तैयार है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसको हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम अपना शिमला मिर्च भी डाल के अच्छा से भून लेंगे। इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। कढ़ाई पनीर में शिमला मिर्च का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। 1 मिनट तक हमने भून लिया है, अब इसको भी निकाल लेंगे पनीर में। इसी के साथ इसको निकाल लेंगे। भुनी हुई सब्जियों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी इसको भूनकर ही बनाएं। फ्रेंड्स, हमने जो प्याज काट के रखी थी उसको भी इसमें डाल के भून लेंगे। इसको भी लगातार चलाते हुए हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज भी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इसको भी निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का कढ़ाई पनीर, और खाने में स्वादिष्ट भी होता है। तो सब कुछ हम भून के ही डालेंगे इसमें। फ्रेंड्स, ऑयल हमारा बचा हुआ है तो इसी में ऐड करेंगे जीरा, इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे, प्याज इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में तेज पत्ता डाल देंगे और सारे मसाले जो हमने
साबुत लिए थे इसको डाल देंगे और इसको एक मिनट के लिए चला लेंगे। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन मिक्स कर लेंगे इसको भी। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, साथ में ऐड करेंगे टमाटर। इसको हमने रफली चॉप कर लिया है, एक बड़ा टमाटर लिया है हमने यहाँ पे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। इसको हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे जिससे टमाटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स अब इसको चेक कर लेते हैं, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स मसाले का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, इसको हमने ग्राइंड कर दिया है। कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे जीरा, लाल मिर्च, इसके साथ ही ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था मसाले का। लाल मिर्च के साथ ही इसको हमें डालना है। मिक्स करेंगे। साथ में ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, रोस्टेड जीरा पाउडर। मिक्स करेंगे इसको। साथ में ऐड करेंगे गरम मसाला। मिक्स करेंगे इसको। इस तरीके से आप कढ़ाई पनीर बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इस रेसिपी को मैं दिवाली के लिए तैयार कर रही हूँ, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। कढ़ाई पनीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। फ्रेंड्स इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कर्ड। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें, ये ऑप्शनल है। इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भुनेंगे। मसाला हमारा तेल छोड़ने लगा है, आप देख सकते हैं इसको, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, स्वादिष्ट भी बनेगा ये। फ्रेंड्स मसाले हमारे भुन गए हैं, आप देख सकते हैं मसाले में तेल छूटने लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। अब इसमें पनीर, प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। सभी चीजों को हमने भून लिया था पहले ही, तो इसको भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट तक इसको चलाएंगे। फ्रेंड्स इसको हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। फ्रेंड्स कढ़ाई पनीर हमारी रेडी हो गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें अपने घर पे। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया। बहुत ही आसानी से बन गया है।
फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है। बिल्कुल सर्व करने के लिए तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।